हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी आज हम लोग आए हैं हबीबपुर, हमारे गांव से काफ़ी पास में ही पड़ता है, हमारे दोस्त का गांव है। आज हमारे दोस्त की अफसर की शादी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बुलाते हैं चच्चा। आज उसकी शादी है, भाई साहब आपको दिखाएंगे क्या है कैसा है। भाई साहब इतना ब्लॉग बस्टर, मतलब शादी नहीं इसलिए आप चच्चा की शादी है भाई, दिखाएँगे आपको, सच में मज़ा आएगा भाई साहब। पूरे देखो आपको दिखाते हैं, यहाँ से आधे गांव में तो पूरी लाइटिंग लगी हुई है यहाँ से। अब भाई चार डीजे आए हैं, एक डीजे में आदमी नाचते नाचते थक गया था, चार डीजे आए हैं और इतने सारे वो जो घोड़े बग्घे आते डांस करने वाले वो आए हैं भाई। अभी आपको दिखाएंगे, मतलब वैसे कम मज़ा आ रहा, दिखा के फुल मज़ा आएगा। ठीक है, फिर अभी मिलते हैं आप सभी वहीं पर। बारात नहीं लेके निकल पा रहे, गाँव घूम रहे हैं।
शादी में कम से कम 2 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ, 2 करोड़ का बजट पास हुआ, तब जाके शादी हो रही भाई। तो गाइस देखो, बाकी सबको तो नहीं पता, हम लोग गाड़ी से ही जाएंगे क्योंकि इतनी दूर पैदल चलते चलते थक जाएंगे, मगर भाई चचा की शादी में मजा फुल आ रहा है, फुल एक नंबर। ये भाई अपना भाई जिगरी आ रहा है भाई, भाई है अपना यार, भाई है अपना। बाकी जो बिनकी वाले लोकल के बंदे वो सब इसको जानते होंगे क्योंकि जय गुरुदेव के सामने बंदे की दुकान है यार, सब अपना ही टोरा है यार, वही दिखती एक नंबर। I'm not going to be able to do that.
घोड़ी मतलब घोड़े आए इनको नचाया जाएगा। आपको जितने सारे घोड़े दिख रहे हैं सब ना डांस करेंगे, भी आपको डांस करते हुए दिखाएंगे। देखो चच्चा ने हमको भाई आरसल भाई ने बुलाया, पता नहीं कहाँ है यार, देखने का तो दिखा देंगे। देखिए डांस कर रहा है ये, देखिए ये देखिए।
ये देखो भाई, ये दुल्हन का घर है। ये दूल्हे राजा अंदर एंट्री कर रहे हैं। अपने यहाँ जैसे द्वार चार होता है, वैसे यहाँ इनके यहाँ रसम होती है। अंदर जाना पड़ता है, मिल के आना पड़ता है। अब भाई डांस हो गया। यहाँ पे हम लोगों के लिए खाने के लिए तो कुछ है नहीं। आइसक्रीम दुकान चला है, रात के कितने बजे? 1 बज रहे, बट आइसक्रीम खा रहे हैं। अभी इसी में जुकाम होगा, डांट पड़ेगी, बट इनकी कृपा है, इनकी कृपा है। भूख लगी है हमका बहुत भयंकर। हाँ, तुम का तुमसे कहा, मतलब तुम तो लील ले जाके भाई, हम क्या कर रहे भाई। हम लोग देखो चेहरा उतरा हुआ, देख लो मिश्रा का भी चेहरा उतरा हुआ भाई। हम लोग भूखे बैठे देख रहे हो, इन लोगों ने केवल फोटो खींचने के लगी है। हम भूखा प्राणी है, उसे कोई मतलब नहीं है। बच्चा की शादी हुई होगा भाई, उसकी शादी इनका केवल फोटो खिंचा के लगी। खाना पीना जो भी हुआ, जैसा हुआ हो गया। हम लोग बैठे हैं क्योंकि कुछ बंदे हैं जो नॉनवेज खाने वाले हैं अपने साथ, तो अब वो खा पी के आ जाए तो हम लोग गेट के पास बैठे, बस खा पी के निकलना ही निकलना है भाई। कसम से बहुत तगड़ी नींद आ रही है, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस उनका वेट कर रहे हैं, बस वो आए तो भाई चल दें। ये देखो भाई, अब भीड़ भी कम हो गई यहाँ की। सब पहली बारात है यहाँ पे, बारात हम लोग पैदल जा रहे हैं। बारात से मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ये बारातशाला है, मतलब जहाँ पे गेस्ट हाउस है। यहाँ से हम लोग अब दूल्हे के घर तक पैदल जाएंगे। देख रहो, नया एक्सपीरियंस। आए भी पैदल थे, जाएंगे पैदल। आवाज़ चली गई, आवाज़ निकल नहीं रही। ठीक है भाई, पहुँच के मिलते हैं आपसे इस रास्ते में। तो फाइनल गाइस, अब घर आ गए हैं। रात के बज गए हैं 2:45। ठीक है, ये देखें, रात के 2:45 बज गए हैं। बहुत तेज़ आंखें दर्द कर रही हैं, बस नींद आनी है, सोना ही बाकी है। ठीक है, फिर आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।